हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रिस्पी चिली चना की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चना को बनाएंगे हम चाइनीज स्टाइल में, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनते हैं ये क्रिस्पी चिली चना। आप किसी भी पार्टी के स्टार्टर के लिए इसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल विद बेल आइकन, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ना छोले लिए एक बॉल और उन्हें भिगो दिया था 5 से 6 घंटों के लिए। और उसके बाद यहाँ पर नमक डालकर इसे हमें कुक करना है। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया है, जब एक विसल आ गई थी तो उसके बाद मैंने इन्हें लो फ्लेम पर 25 मिनट के लिए रखा था और ये बिल्कुल पक चुके हैं। जब गैस बंद की उसके बाद बिल्कुल ठंडे हो गए, तो ये मैंने खोल के दिखाया आपको, ये अच्छे से पक चुके हैं। और अब हमें इन्हें बिल्कुल ठंडा कर लेना है और छान लेना है। पानी मैंने बिल्कुल निकाल दिया था और अब ये जो छोले हैं इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक बोल में। तो अब हमें इसमें डाल देना है कॉर्नफ्लोर, यानी कि जो अरारोट होता है इसे डालेंगे। मैं इसे 2-3 शिफ्ट में इसे डालने वाली हूँ। पहले मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डाला है और इसे हम हल्का हल्का टोस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे स्पून से हिलाएंगे तो इनके चांसेस हैं टूटने के, काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो इस तरह से मैंने टोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पहले डाले हैं और 2 चम्मच बाद में फिर से डाल दिए हैं और इसे अच्छे से टोस्ट कर लिया है। और इसे हम दोबारा से फिर कोट करेंगे कॉर्नफ्लोर से। अब मैंने ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे वाले बॉल में और अब हमें इन्हें दोबारा से कोट करना है। तो यहाँ पर फिर से मैं 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दूँगी। पहले मैं हल्का हल्का स्पून से कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने इनमें पहले कॉर्नफ्लोर ऐड किया था तो थोड़े से स्टिकी हो गए थे, बाउल के साथ चिपक रहे थे। तो हल्का हल्का बहुत सॉफ्टली मैंने स्पून से इन्हें हिलाया और बाद में फिर से इन्हें कोट कर दिया है। अब आपको दिखाती हूँ, एक एक जो दाना है ना अच्छे से कोट हो चुका है कॉर्नफ्लोर से और परफेक्ट है ये चिली चना के लिए। अब हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए सबसे पहले तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे और तेज आंच पर ही जो चने हैं उन्हें हम डाल देंगे तेल में। और जब हम इसमें डाल देंगे तो फ्लेम को मीडियम करेंगे और 30 सेकेंड के लिए हम कड़छी वगैरह नहीं लगाएंगे, वरना ये टूट सकते हैं चने। 30 सेकेंड के बाद जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें हल्का सा हिलाएंगे कड़छी से और इन्हें हमें कर देना है अच्छे से फ्राई, और ऊपर की जो लेयर होगी हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो हम इन्हें टिश्यू पर निकाल लेंगे। ये देखिए, इसका कलर बहुत अच्छे से आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए चने भी फ्राई करेंगे। तो आप इसकी साउंड सुनकर देखिए कितनी अच्छी साउंड आ रही है, यानी एकदम से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम इसको अब लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में तेल डाल लिया है 1 बड़ा चम्मच। तेल अच्छे से गरम करेंगे और उसमें 1 बड़े वाला चम्मच ही ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन। हल्का हल्का सोटे कर लेंगे, कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है हमें लहसुन का। और इसके साथ ही हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई। हल्का सा कलर चेंज हुआ है, इसके साथ ही मैंने इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया है। जो प्याज ऐड किए हैं इसे आप थोड़ा सा बड़ा भी काट सकते हैं, मैंने बारीक कट किया हुआ प्याज को। और हल्का सा इसे भी हमें भून लेना है। और यहाँ पर 1 शिमला मिर्च लेंगे, इसे भी कटी हुई को डालना है हमें और भून लेना है। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इनका जो क्रंचीनेस होगा वो हमें रखना है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैं थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो सॉसेस डालेंगी उनमें भी नमक होता है। और थोड़ी सी डाल दी है काली मिर्च और 1 छोटा सा चम्मच ऐड कर दिया है चीनी का। टमाटो केचप डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच। रेड चिली सॉस डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। विनेगर डालेंगे 1 छोटा चम्मच। जो सॉसेस हैं इनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हल्का सा इन्हें हम भूनेंगे।
जब इन सॉसेस को हम भूनते हैं तो इसमें से अलग ही एक स्मोकी सा फ्लेवर की ऐसे मतलब फ्लेवर की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा कप पानी, और अब ले लिया है यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और ऐड कर दिया आधा कप पानी, और इसका हम इस तरह से घोल बनाएंगे। जो सॉसेज अच्छे से बॉईल हो रही हैं, पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है, धीरे धीरे कर स्टर करते रहेंगे और ये जो कॉर्नफ्लोर है इसमें ऐड करते जाएंगे। हम जब इसे कुक करेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा जो इसकी एक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो परफेक्ट है या नहीं। सॉसेज की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। चने ऐड करने का मेरा वीडियो जो था वो स्किप हो गया है। बस किया क्या है, मैंने उसमें चने ऐड किए थे जो फ्राई किए हुए थे, और उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है सॉसेज के साथ, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है, और 1-2 मिनट के लिए फिर से इसे हम भून लेंगे तेज आंच पर। और ये जो चिली चना है, क्रिस्पी चिली चना बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो चिली चना होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, एक बार तो ट्राई ज़रूर से करिएगा, और ट्राई करने के बाद इसे फीडबैक भी दीजिएगा। लास्ट मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया है हरे धनिए से, या आप इसे स्प्रिंग ऑनियन से जो ग्रीन पार्ट होता है उससे भी गार्निश कर सकते हैं। और खाइए, बनाइए और इन्जॉय कीजिए क्रिस्पी चिली चना को, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।